गमू की इच्छा है कि वो ये पहने डांडिया ड्रेस। वाह, लग रही हूँ बंजारन या फिर गुजरातन। खेल रहे हैं, भूत बनाओ। ये देखो, तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ। अपने फोन से ले रहे हो या कहीं से मांग तांग। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो रही है और मेरे घर पर आ रही है क्या डांडिया ड्रेस। तो ये मैं सब बिखरी बिखरी सी हूँ और डांडिया ड्रेस पहन के मैं अच्छी ठीक हो जाऊंगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबका वेलकम है घमू राजस्थानी चैनल पर एक बार फिर से। तो चलिए ड्रेस का वेट करते हैं। तो दोस्तों कहते हैं ना कि मन से चाही हुई हर इच्छा पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने गरबों की ड्रेस की इच्छा कल जाहिर की थी उस वीडियो में, जो कि वीडियो आपके शाम को आएगा घमूसारण चैनल पर। और मेरे को मिल गई है ये ड्रेस। अब देखिए, इसका ये है नेकलेस, नेक पीस है और इसके साथ जो जुड़ा हुआ है वो है सीस फूल, मतलब सिर पे जो भी बांधने वाला वो है। और ये सारे हैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। इसके बाद आती है डांडिया ड्रेस, जो कि ऑरेंज कलर में चुनरी है, ब्लैक कलर में ब्लाउज है। देखते हैं, आपको पूरी की पूरी दिखाते हैं और फिर हम पहनते हैं। मैं खुद पहनूंगी। ये है कमरबंद, काफ़ी अच्छा सब बजता है और लाइट वेट है। ये सारी जो ज्वेलरी है ना, ये लाइट वेट है, हल्की सी है, जो आराम से हम पहन सकते हैं, कोई भारी भरकम नहीं है। और ये मिली है किराए पे। तो पूरी कहानी इसमें बताते हैं कि आखिर इनको मेरे घर क्यों आना था। इनको पता था क्या कि गमू की इच्छा है कि वो ये पहने डांडिया ड्रेस। और ये है हाथ में नीचे की साइड यहाँ चूड़ा पहनते हैं ना, अब इसको बोलते क्या पता नहीं, हमारे इस तरह की होती है उसको हम चूड़ बोलते हैं। और ये है लहंगा, जो कि डबल लेयर में है, एक ऊपर लहंगा है और फिर एक नीचे वाला येलो कलर में लहंगा। बहुत अच्छा है, ब्लैक प्रिंट और ऊपर काठियावाड़ी प्रिंट में, मतलब ब्लैक कलर में और काठियावाड़ी प्रिंट में। तो अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके बताइए आपने कितने दोस्तों में ये वीडियो शेयर किया है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है और वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे आप भूल जाएंगे और इससे आगे वीडियो और बढ़िया आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो इस तरह का कुछ लहंगा है, डबल लेयर में है, थोड़ा नीचे था मेरे, मैंने पहना ना तब यूँ ज़मीन पे मतलब झाड़ू निकाल रहा था, इस तरह का कुछ लहंगा है। तो चलिए अब इसको कितना फोरेंगे करेंगे, पहले इसको जो है पहन लेते हैं, तैयार हो लेते हैं। और चुंदड़ी लहंगा थोड़ा भारी था, जितना बड़ा दिख रहा इतना भारी तो नहीं था, लेकिन फिर भी है ना, कोई डांस वांस करता है तो उसके लिए कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है। और चुंदड़ी एकदम लाइट वेट। और ये किराए पे मिली है 250 में या 300 में शायद, पूरा इतना इतना सामान। वैसे तो वो 1500-1600 रुपये जमा करते हैं, लेकिन जैसे ही ड्रेस वापस दे देते हैं, हम 2-3 दिन तक यूज़ कर सकते हैं, वापस देते हैं ड्रेस तो अपने रुपये अपने को वापस मिल जाते हैं और ड्रेस वो ले लेते हैं और किराया ले लेते हैं 250-300 रुपये। तो इस तरह है तो ठीक ही, लेकिन काफ़ी ऊपर मिलता है। ठेठ मार्केट में हनुमान जी का मंदिर है ना, ढाणी बाजार सब्जी मंडी है ना, उससे थोड़ा नीचे ठेठ, वहाँ पर ब्लाउज काफ़ी अच्छा था और मेरे इतना फिटिंग आया जैसे कि मेरे नाप का ही बनाया हुआ था। अभी मैं सीधा ले रही हूँ। एक बार घूमो तो जोर से। वाओ, ये क्या दिख रहा है पीछे से, नानी दिख रही हो। तो जी, सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि हमारा ये जो डांडिया प्रोग्राम है रसोई के अंदर चल रहा है, क्योंकि क्योंकि रसोई वाली लाइट है वही थोड़ी डंकी है और इसलिए हम रसोई में खेल रहे हैं। लोग सोचेंगे क्या पागल लड़कियां जो कि रसोई में डांडिया खेल रही। वैसे मुझे कुछ खेलना नहीं आता है, अब जब डांडिया ड्रेस पहन ही ली है तो थोड़ा शो ऑफ तो करना ही पड़ेगा। शो ऑफ तो ड्रेस का होता है, लेकिन डांडिया का भी थोड़ा सा मैंने ट्राई किया है, ड्रेस कैसी दिखती है। वैसे रात में और अंधेरे में इतनी क्लियर नहीं है। और इस बच्चे को क्या हुआ है, ये भी डांडिया खेलने आया था। और देखिए, पूरी लग रही हूँ बंजारन या फिर गुजरातन, इस तरह से काफ़ी मैं खुश थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये। मुझे नेक पीस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, बाकी वाली ज्वेलरी काफ़ी काफ़ी सब बहुत अच्छी थी। डबल लेयर सर, आपको चार थोड़ा ढंग का पता नहीं क्या पता है। ठीक है भाई साहब, झाड़ू से पोछे से खेल रहे हैं। मम्मा मूड खराब कर दिया सच्ची में। क्या मूड खराब कर मन बढ़िया लगने को बताने ना मन के कम किया और मन जोर लग बढ़िया बढ़िया। अब थोड़ा इंस्टाग्राम में कर ले।
मेरे को ये सारे आउटफिट्स बहुत बढ़िया लगे थे, अब मेरे को खोलने पड़ रहे, बड़ा दुख हो रहा है। देखो गले का कितना ज्यादा प्यारा, पीछे बच्चे तैयार हो रहे हैं, एक बच्ची इधर तैयार हो रही है, ये सबसे प्यारा, ये तो मेरी खुद की है। और पता ना कंदर दीदी ने ले लिया, मेरे का पास तो कुछ है ही नहीं, बस ये है। बच्चा है ना साथ साथ बोलता रहा, ये बहुत बढ़िया लगी मेरे को। और ये तीन बिंदी और वो बैठ, ये तीन बिंदी है यहां पर मेरे चपेड़ो। आ आ आ नहीं आई, चाइना का फोटो प्रिंट था शायद, चाइना का माइना का। तो चलो अब खोल दी सारे सारे सुनते बच्चे मेरे को। हां क्या करते हो जू? मैं चीख रही हूं मैं यहां। अरे बाउंड क्यों लगाए रात को? अरे ये ऐसे कर रहा है हाथ में लेके, ठुमके लगाएगी आपको दिखाएंगे। तू ये पाउडर क्यों खराब कर रहा है? दिमाग खराब है तेरा? खराब नहीं है मेरा। तो क्या है ये? दूध बनाओ, ये देखो करो। तो जी ये सीन देख के आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि मुझे ये ड्रेस कहाँ से मिली, मतलब अचानक ड्रेस मेरे घर पे कूद पड़ी। ये है रिया, और रिया को करना था गरबा में डांस, और रात को इतनी लेट तक, इनका थोड़ा घर बाड़ मेरे से दूर पड़ता है, तो फिर पहले ड्रेस लाने गई किराए की, फिर मेरे घर पर आई, फिर मैं तैयार हुई ये ड्रेस पहन के। मैंने कहा जब तू आई है तो मैं फ्री का फ़ायदा तो उठाऊँगी, तो किराए पर ड्रेस ये लाई थी, और सबसे पहले मैंने पहनी, मैंने डांस किया, मैंने फ़ोटो लिए, मैंने वीडियो लिए, और फिर इसको दिया, क्योंकि ये आ गई थी 8 बजे और गर्भ शुरू हो रहे हैं 10 बजे। 2 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रात थी, इस बात का मुझे बहुत दुख है। तो मतलब मेरे घर ड्रेस चल कर आ गई किराए की, और मैंने वैसे देना चाहिए था, अगर मैंने वीडियो बनाया और फ़ोटो खींचे तो इस लड़की को भी आधा किराया ड्रेस का देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं दिया, मैं बहुत कंजूस हूँ। मैं कुछ और कर दूँगी इस वीडियो में, इसके डांस का प्रमोशन कर दूँगी, मतलब ये स्टेज डांस करती है, और स्टेज डांस के लिए अगर कहीं रिक्वायरमेंट हो तो आगे मैं इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, जहाँ पर आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यही काफ़ी है, पैसे का क्या है, पैसा तो आता जाता रहता है, हाथ का मैल है उससे क्या है। तो चलिए इनको मैंने कर दिया है तैयार, और ये चूड़े वूड़े सब पहना दिए हैं, और काफ़ी एक्साइटेड है। दिव्या भी वीडियो बनाते बनाते बोल रही है कि दीदी आप काफ़ी अजीब लग रही हो, लेकिन कोई अजीब नहीं लग रही, काफ़ी प्यारी लग रही है। और इनके ब्लाउज़ इतना ढीला था कि पिन्ने विन्ने लगा के फिक्स करना पड़ा। और अब रसोई के अंदर थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं, और इस डांस का पूरा जो है स्टेज तोड़ डांस हम आपको दिखाएंगे डांडिया मैदान के अंदर। यहाँ तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करी रसोई के अंदर, तो चलिए हम चलते हैं गरबा मैदान में। और डांडिया वहाँ पर वैसे वीडियो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन हम ये डांस करेगी तो वहाँ परमिशन लेके हम वीडियो लेने की कोशिश जरूर करेंगे। ये अभी तक पड़े, और चलते हैं गरबों के अंदर, और वहाँ पर आपको दिखाते हैं कैसा है माहौल। मैं घड़ी घड़ी आ रही हूँ रसोई के अंदर, क्योंकि यहीं पे लाइट सही आ रही है, कुछ फोन भी कम चार्ज है। चलो आगे लाइटें कर देते हैं बंद। तो जी अपना कोई वीडियो बनवाना चाहता है तो परमिशन लेके बना सकता है। तो रिया यहाँ पे खड़ी थी तो हमें परमिशन मिल गई। तो अगर अपना कोई डांडिया कर रहा है और वीडियो लेना चाहता है तो वो स्टेज पे जाकर परमिशन लेके ले सकता है। तो बस वही परमिशन मिली थी, सामने एक वाइट टी शर्ट में, वो भी हमारे जान पहचान की थी, और इसमें वो रिया भी थी, एक दो और भी थी जो कि हम पहले पुराने घर में रहते थे ना, वहाँ हमारे पड़ोस में थी, तो इनके लिए ये छोटी सी क्लिप की और हमने जो ले लिया। और आगे रिया चौधरी जो वीडियो जो क्या कहते हैं डांस करेगी ना, उसका तो फुल वीडियो लिया, कोई मतलब रोक टोक एक मेरे फ़ोन के लिए नहीं थी, बाकी जो एक दो वीडियो ले रहे थे उनसे फोन भी छीन लिए थे। ये जो भाई साहब खड़े हैं ना आपको लेफ्ट में दिख रहे हैं ग्रीन टी शर्ट में, ये बस फोन छीनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये इनकी ये भले घड़ी में और आगे देख रहे हो, लेकिन इनकी नज़र वहाँ है जहाँ फोन दिख जाए, जाके फटाक से छीन के अंदर रख देते हैं, और फिर एक हिदायत के साथ फोन वापस दिया जाता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाए तो फोन वापस नहीं दिया जाएगा। काफी ज्यादा अच्छा ये है तेजल वाला गाना, तेजल सिंगार है, चलिए थोड़ा सा सुन लो।
इस लड़की का डांस तो जबरदस्त था, लेकिन क्या करें म्यूजिक बजा नहीं सकते थे, लेकिन आगे और भी आपको बताएंगे। आज इसमें हम डांस फुल बताएंगे आपको 2-3 मिनट का, तो फुल देख के वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और ये काफ़ी अच्छा स्टेज डांस हर जगह करती है, तो कहीं करवाना हो तो भी आप इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे। तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ, ये है रिया चौधरी बाड़मेर करके इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ अगर आप डीएम करेंगे तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई स्टेज डांस की कहीं पर भी रिक्वायरमेंट है तो, अदरवाइज नहीं। देखिए तो चलिए यहाँ पर मैं आपको वो गाना जो लगा हुआ है लीलन वाला वो तो नहीं लगा सकती, लेकिन फिर भी YouTube लाइब्रेरी में से जो मैंने डाउनलोड कर रखे तो जो मेरे स्टॉक में है उसमें से कोई एक गंदा सा म्यूजिक यहाँ पर मैं लगा देती हूँ, एक साउंड लगाऊंगी, बाकी गाना तो इसमें है नहीं। और वो मेरे लाइब्रेरी YouTube लाइब्रेरी वाले जो भी म्यूजिक इसमें है ना वो किसी को पसंद नहीं आते, फिर भी थोड़ा सुन लो। इस डांस को देखने में इतनी बुरी तरह खो गई थी, खुद का वीडियो साथ लेना भूल ही गई, ऐसा लग रहा। मतलब साथ लेना इसलिए जरूरी होता है कि आप खुद वहां जाकर अपने फोन से ले रहे हो या कहीं से मांग तांग के वीडियोस का आप जो है व्लॉग बना रहे हो, तो साथ में लेना जरूरी होता है। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो कम से कम 5 दोस्तों में तो शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।